कृत्या को जब रहस्यमय ऊर्जा पिंड अपने साथ लेकर गए, तब सिद्धार्थ और बाकी गांव वालों ने गौरी को पेड़ के ऊपर से उतार लिया। गौरी सिद्धार्थ के गले लगकर रोने लगी। उसे सर पर और मुंह पर काफी चोट लगी हुई थी। पेड़ से टकराने के कारण उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी थी। सब मिलकर गौरी को वैद्य जी के पास लेकर गए। वैद्य जी ने गौरी की मरहम पट्टी की और हाथ पर प्लास्टर बांध दिया। जब गौरी की मरहम पट्टी हो रही थी, तब बाहर सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और मोतीबाई एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। सिद्धार्थ ने कहा, यह संकट अब कहां से आ गया? ना हमने कोई दरवाजा खोला, ना ही मैंने अभी जंगल जाकर किसी के साथ छेड़खानी करी, फिर यह कृत्या कैसे आई और कहां से आई और क्यों आई? बूढ़े बाबा ने कहा, मैंने कुछ किताबों में पढ़ा था इस कृत्या नामक शक्ति के बारे में, लेकिन आज पहली बार देख भी लिया। शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है। कृत्या एक ऐसी शक्ति है जो स्वतंत्र कोई कार्य नहीं कर सकती, लेकिन अपने स्वामी के आदेशों का पालन जरूर करती है। इसे दैवी शक्तियों के अतिरिक्त कोई मनुष्य वश में नहीं कर सकता और ना ही उससे कभी जीत सकता है। केवल वही मनुष्य जो तंत्र शैली की साधना में दीक्षित हो और साधना करते करते भैरव के पद पर पहुंच गया हो, वही इसे सिद्ध कर सकता है और इसे अपने वश में रख सकता है। और भैरव कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देंगे। और मोतीबाई ने ठीक कहा था, इतिहास में इसके प्रमाण है कि कुछ एक बार किसी भैरव के पद पर पहुंचे हुए साधक ने किसी असुर से मित्रता के कारण किसी संत पर कृत्या को छोड़ा था, लेकिन वो संत इतने पवित्र और धर्मात्मा थे कि उस कृत्या के आक्रमण का उन पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो कृत्या ही भस्म हो गई और उसे भेजने वाले भैरव को शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। मैं इसीलिए इस बात से हैरान हूं कि ये वीरानगढ़ में कृत्या का आह्वान करके उसे किसने भेजा होगा। ये कोई भैरव नहीं लगता, क्योंकि भैरव अधिकतर हिमालय में रहते हैं और वो अधर्म का साथ कभी नहीं देंगे। मोतीबाई ने कहा, मैं जब बाईसा रे साथ थी, तब बाईसा के पास चार कृत्याएं थी, लेकिन बाईसा ने कभी उनका आह्वान नहीं किया। कोणा मारे सामने बाईसा ने कृत्या को प्रकट करके अपने वश में किया था, लेकिन मारे को पता से कि कृत्या क्या हुए से, ये कोई ऐसी वसी शक्तिना से एक बार ये किसी को अपने स्वामी रे आज्ञा से मारने के पीछे पड़ जाए तो फिर उसका बचना असंभव से है। सिद्धार्थ ने कहा, तो फिर गौरी को जिसने बचाया वो कौन हो सकता है? क्या यह अनंत पिशाच तो नहीं? बूढ़े बाबा ने कहा, अनंत पिशाच? अनंत पिशाच तो आज्ञा लेकर फिर से तपस्या करने चला गया, वो कैसे हो सकता है? और अगर वो होता तो अपने असली स्वरूप में आता, भिन्न भिन्न रंगों के ऊर्जा पिंड बनकर क्यों आता? इस पर मोतीबाई ने कहा, बाबा ठीक कह रहे से, अनंत पिशाच की मायावी शक्ति बहुत ऊंचे दर्जे की से, लेकिन कृत्या को बस में करना किसी पिशाच के बसरी बात बिना से। तो फिर सिद्धार्थ ने बड़े अचरज के साथ पूछा, तो फिर वो कौन थे? बूढ़े बाबा ने कहा, मेरे ख्याल से शायद से वे गंधर्व थे, जिन्होंने इस बार फिर से गौरी की और इस गांव की उस कृत्या से रक्षा की है। उनके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? सिद्धार्थ ने कहा, क्या ये सौम्य परी तो नहीं? मोतीबाई ने कहा, कृत्या पर विजय पाना एक परी के बस में नास है, असंभव। जितने भी विकल्प थे सभी सोचकर देख लिए, लेकिन उन तीनों के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में उनकी रक्षा किसने की। यही सोचकर कमुत्कारणी भी परेशान थी कि आखिर कृत्या जैसी शक्ति को परास्त किसने किया। उसे रह रहकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि अगर उसकी सबसे बड़ी शक्ति ही विफल हो गई तो उसकी दूसरी शक्तियां कैसे सफल हो पाएगी। कृत्या के बाद किसी भी दूसरी शक्ति को विफल होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि कोई तो दिव्य शक्ति थी जो गौरी और सिद्धार्थ की रक्षा कर रही थी। कमुत्कारणी सोचने लगी कि अगर बल से काम नहीं हो सका तो बुद्धि का प्रयोग करना ही उचित होगा, इसलिए वो आगे क्या करना था उसके बारे में सोचने लगी।
कुछ ही देर में गौरी को फूलमती बाहर लेकर आई। गौरी ने कहा, मैं आप सबकी बातें सुन रही थी। आपने सभी लोगों का नाम लिया, लेकिन एक व्यक्ति का नाम भूल गए जिन्होंने हमारी सबसे कठिन परिस्थिति में रक्षा की थी, विश्वनाथ जी। विश्वनाथ जी का नाम सुनते ही सबकी आंखें चमक उठी। सिद्धार्थ ने कहा, विश्वनाथ जी का नाम हम कैसे भूल सकते हैं, ये जरूर विश्वनाथ जी ही होंगे। बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ वो एक महान तपस्वी भी हैं, इसलिए जरूर उन्होंने ही कृत्या को अपने वश में किया होगा। मोतीबाई ने कहा, जे हो सके से हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ने एक साथ कहा, जरूर। रात ढल चुकी थी और अब नया सवेरा हो गया था। सरपंच काका ने सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा से कहा, आप सब बहुत थक गए हैं, आप जाइए और जाकर आराम कीजिए। सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और सुजान नील भवन की तरफ रवाना हुए। गौरी अभी भी सिद्धार्थ से उखड़ी उखड़ी थी। सिद्धार्थ को इसका एहसास था। वो नील भवन पहुंचे और गौरी को अपने कमरे में लिटाया। सिद्धार्थ ने गौरी से पूछा, तुम्हारे लिए नाश्ता ले आता हूं। गौरी ने कहा, पापा लेकर आएंगे। सिद्धार्थ ने कहा, मैं जानता हूं तुम मुझसे अभी भी नाराज हो, लेकिन अब तो माफ कर दो। गौरी ने कहा, मैं माफ करूंगी तो तुम मुझ पर विश्वास थोड़ी करोगे कि मैंने तुम्हें माफ किया है। वैसे भी मेरी बात की कीमत कितनी है मुझे समझ में आ चुका है। सिद्धार्थ ने गौरी का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और कहा, यह सच नहीं है गौरी जी, तुम भी जानती हो वो बात मैंने गुस्से में कही थी। गौरी ने कहा, गुस्से में कही हुई बात अक्सर सच होती है। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, गुस्से में कही हुई बात सच नहीं, सिर्फ भड़ास मात्र होती है जो हम सब सामने वाले को दुखी करने के लिए कहते हैं। गौरी ने कहा, देखा, अभी भी मेरी बातों को काटने में तुम्हें बहुत मजा आता है, क्योंकि तुमने अपने मन में मान लिया कि मैं जो भी कहती हूं वो गलत ही है, और ये कोई पहली बार हुआ है, और मैं नाराज नहीं हूं, ऐसी बात नहीं है। पिछले कितनी बार से देखती आई हूं, मेरी बातों की तुम्हारे मन में कोई कीमत नहीं है, इसलिए मैंने ठान लिया है कि आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगी। सिद्धार्थ फिर से कुछ कहने गया कि गौरी ने उसकी बात को काटते हुए कहा, जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। सिद्धार्थ को गौरी की यह बात दिल पर लग गई। वो उठा और कमरे के बाहर जाकर दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चला गया। सिद्धार्थ को गौरी की यह बात अच्छी नहीं लगी थी। वो सोच रहा था कि अगर मैंने गौरी से ऊंची आवाज में बात की थी जिसके कारण उसका दिल दुखा था, तो उसने भी तो मेरे साथ जैसा व्यवहार किया उससे मेरा भी दिल दुखा है। आखिर कितनी बार उसके पास उसे मनाने जाऊं, कितनी बार माफी मांगू उससे। इस बार तो मैं उसे मनाने के लिए नहीं जाने वाला। भला ऐसा भी क्या क्या दिया था मैंने जिसके कारण इतना गुस्सा होगी मुझसे। मेरा प्यार नहीं दिखता उसे, सिर्फ गुस्सा दिखता है। ये कहकर सिद्धार्थ अपने कमरे में बने गुसलखाने में नहाने चला गया। सिद्धार्थ और गौरी के बीच का यह झगड़ा अपनी मायावी शक्ति से कमुत्कारिणी देख रही थी। ये झगड़ा देखकर उसे एक युक्ति सूझी। उसने तुरंत ही चुटकी बजाकर अपने मन में सोचा, मैं काम और संभोग की देवी खामखा मरने मारने पर तुली हुई थी, मैं तो अब वो करूंगी जिसमें मेरी महारथी है। अपने आप से यह कहकर कमुत्कारिणी हंसने लगी और पलंग पर चैन की नींद सो गई। बूढ़े बाबा अपने कमरे में बैठे सोच रहे थे कि उनके बेताल होने का और मंत्र तंत्र में इतना ज्ञान होने का क्या फायदा, जब ना ही उनके पास कोई ऐसी विद्या थी जिससे वो बड़े बड़े संकटों को दूर कर सके। इसीलिए उन्हें अपनी शक्तियों को और अपनी विद्याओं को और बढ़ाने की आवश्यकता थी। लेकिन उसके लिए उन्हें कुछ वक्त के लिए मायावी जंगल में उस गुफा तक जाना होगा। उनकी एक अंतरात्मा ने उनसे कहा, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब गांव पर या सिद्धार्थ और गौरी पर कोई संकट नहीं आता, फिर ऐसी स्थिति में इनको अकेला छोड़कर कैसे जाऊं, ये तो मेरा स्वार्थ होगा। दूसरी तरफ बूढ़े बाबा की दूसरी अंतरात्मा ने कहा, शारीरिक तौर से तो मैं इतना अधिक उपयोगी नहीं रहा, लेकिन अपनी मंत्र शक्ति और विद्याओं से भी कमजोर होता जा रहा हूं। कुछ समय के बाद मैं किसी काम का नहीं रहूंगा, उससे अच्छा है कि मैं कुछ समय का अंतराल लेकर अपनी शक्तियां और विद्याओं को बढ़ाकर लौट आऊंगा, जिससे मैं इनकी और भी अधिक सहायता कर सकूं। अपनी दोनों अंतरात्मा की बात सुनकर बूढ़े बाबा असमंजस में पड़ गए थे।
उन्होंने विश्वनाथ जी द्वारा दी गई किताब को अपने हाथ में ले लिया और अपने सीने से लगाकर बैठ गए, जैसे उन्हें अपनी इसी दुविधा का हल किसी तरह से उन्हें मिल जाए। उस तरफ सौम्य परी को लगा कि सिद्धार्थ को सब कुछ बता देना चाहिए, इसलिए जब कमुत्कारिणी गहरी नींद में सो गई थी तब मौके का फायदा उठाकर सौम्य परी अपने कमरे से बाहर निकली और सिद्धार्थ को मिलने के लिए नील भवन की तरफ जाने लगी। उसे देखकर फूलमती ने उसे रोका और कहा, अरे अनीता, कहां जा रही हो? सौम्य परी उस तरफ से रुक गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने हड़बड़ाकर जवाब दिया, वो मैं गौरी को देखने जा रही थी। मुझे अभी भी पता चला कि कल रात को उसके साथ क्या हुआ था, इसलिए सोचा कि मैं उसकी खबर पूछाऊं। फूलमती ने कहा, इस वक्त तो वो वैद्य जी की दवा खाकर सो गई होगी। कुछ देर रुक जाओ, फिर तुम और तुम्हारी माँ दोनों एक साथ गौरी को मिलने चली जाना। सौम्य परी फूलमती की बात को टालकर उसका अपमान करना नहीं चाहती थी और जिद में आकर लोगों के मन में शंका उत्पन्न करना भी नहीं चाहती थी। इसीलिए फूलमती की बात से सहमत होते हुए सौम्य परी ने उससे कहा, ठीक है, लेकिन वो क्या है ना, माँ बहुत थक गई है इसलिए गहरी नींद सो रही है, पर मेरी नींद खुल गई और कमरे में बैठना बहुत ही अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैं नीचे उतर आई। वैसे यहां पर आसपास कुछ घूमने लायक तो होगा ना, तो मैं घूम आती हूं। इस बात पर फूलमती ने हंसकर कहा, यह वीरानगढ़ है, यहां पर घूमने लायक कुछ भी नहीं है, यहां पर तो पक पक पर खतरा है, इसलिए घूमने फिरने की बात भूल जाओ। अगर तुम्हें वाकई में कुछ करना है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहां की ढेर सारी कहानियां सुनाती हूं, चलो। सौम्य परी की युक्ति उल्टी पड़ गई थी। घूमने फिरने के नाम पर वो सिद्धार्थ से मिलने चली जाती, लेकिन अब तो वो फूलमती के साथ फंस चुकी थी। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने फूलमती के साथ जाने के लिए हां कर दिया। गौरी अपने कमरे में बैठकर आंसू बहा रही थी। उसने सिद्धार्थ के साथ जैसा बर्ताव किया उससे वो खुद भी शर्मिंदा थी, लेकिन ये करना जरूरी था, ऐसा उसे लग रहा था। गौरी का यह मानना था कि दो लोगों के संबंध में जब एक दूसरे का महत्व कम हो जाता है तो कुछ समय की दूरी जरूरी हो जाती है। सिद्धार्थ नहा रहा था और उसे नहाते नहाते अचानक उसकी और गौरी के बीच में हुए प्रेम संबंध याद आने लगा। सिद्धार्थ अचानक से कामुक होने लगा था। सिद्धार्थ नहाते नहाते ही अपनी आंखें बंद करके उसके और गौरी के उस गुफा के तालाब में हुए चुंबन के बारे में सोचकर कामतुर होने लगा। उसे गौरी का वो भीगा बदन याद आने लगा, उसके भीगे बदन की खुशबू याद आने लगी। उसे वो याद आने लगा कि किस तरह उसने गौरी के भीगे भीगे कमर पर हाथ फिराया था। सिद्धार्थ को गौरी की खुशबू महसूस होने लगी और वो बहकने लगा। आज सिद्धार्थ अपने इन विचारों को काबू में नहीं ला पा रहा था। आज से पहले सिद्धार्थ की काम आतुरता कभी इतनी बेकाबू नहीं हुई थी। सिद्धार्थ को चारों तरफ सिर्फ कामुक दृश्य ही नजर आ रहे थे। सिद्धार्थ इतना आतुर हो गया कि उससे रहा नहीं जा रहा था। उसे बस गौरी को खींचकर गले से लगा लेना था और मर्यादा की सारी हदों को फिर से पार करना था। सिद्धार्थ अपने शरीर पर तौलिया लपेटा और गौरी के कमरे में जा पहुंचा। गौरी उस वक्त अपने कमरे में नहीं थी। कामुक होकर सिद्धार्थ तौलिये में ही सारे नील भवन में गौरी को ढूंढने लगा। तब उसने देखा कि गौरी अपने पिता मिस्टर बजाज के साथ बगीचे में बैठी थी। सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए जोर से दीवार पर अपना हाथ मारा और फिर से अपने कमरे के अंदर चला गया। सिद्धार्थ को गौरी के वहां पर ना होने पर गुस्सा आ रहा था। सिद्धार्थ गौरी के कमरे में गया और गौरी के कपड़े उठाकर उसे सूंघने लगा, फिर वही कपड़े लेकर अपने कमरे में चला गया और अपना दरवाजा बंद कर दिया। उस तरफ कमुत्कारिणी, जो सौम्य परी को लगा था कि गहरी नींद में सो गई थी, दरअसल अपनी आंखें बंद करके सिद्धार्थ पर अपनी काम शक्ति का असर डाल रही थी, क्योंकि वो संभोग की देवी थी। अब कमुत्कारिणी ने वो शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया था जिसकी वो देवी थी, जिसमें उसकी महारथी थी। वो थी काम वासना जगाने की शक्ति। कमुत्कारिणी अपने नाम के मुताबिक किसी में भी काम उत्तेजना बढ़ाने में सक्षम थी। वो जानती थी कि काम वासना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। उसने ये शक्ति का उपयोग सिद्धार्थ और गौरी के संबंध को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने के लिए किया। वो सिद्धार्थ को अपनी काम वासना के भ्रम में इतना गहरा डुबा देना चाहती थी कि वो ऐसा काम कर बैठे
जिससे गांव वालों के बीच में भी वो धिक्कार का पात्र तो बन ही जाए, लेकिन अपनी नजरों में भी इतना गिर जाए कि उसे आत्महत्या करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग न दिखे। क्या कमुत्कारिणी की यह मंशा सफल होगी? क्या काम वासना में डूबकर सिद्धार्थ कोई ऐसा कार्य कर बैठेगा जिससे उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े? क्या गौरी सिद्धार्थ के इस बदले हुए रूप को देखकर समझ पाएगी कि वो किसी माया जाल में फंसा हुआ है, या सिद्धार्थ को दोष देकर उससे और भी दूर हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़ ओनली ऑन पॉकेट एफएम।